ओम शांति। 3 जुलाई। स्वयं भगवान अपने बच्चों को धीरज दे रहे हैं। बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम्हें नई दुनिया में जाना है, सुखधाम में जाना है। वहाँ सुख ही सुख होगा, इसलिए पुरानी दुनिया और पुरानी बातों को भूल जाओ। बहुत सुंदर बात है, लोग पुरानी बातों को याद करके दुखी रहते हैं या वर्तमान छोटी बातों में दुखी रहते हैं। कई लोग सेंसिटिव, नाजुक, बहुत इमोशनल हो गए हैं, दूसरों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो दुखी बहुत रहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, तुम्हें उस नई दुनिया में चलना है। अब तुम जग गए हो। आज की मुरली में बहुत सुंदर बात है, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। मैंने स्मृतियां दिलाकर तुम सबको जगा दिया है। तुम मेरी सजनियां भी हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ। भगवान को प्रियतम भी कहते हैं ना। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, प्रियतम भी हूँ, तो गुरुओं का गुरु भी हूँ। मैं सबकी सदगति करने आया हूँ। मैं नई दुनिया रच रहा हूँ। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। अब नई दुनिया बनेगी तो पुरानी तो जरूर समाप्त होगी ही। आज की विशेष धारणा की पॉइंट है, बहुत ध्यान देंगे सभी बच्चे, तुम्हें देह अभिमान ने ही दुर्गति में लाया है। देह भान, देह अभिमान, हम भूल गए कि हम कौन हैं, हम आत्माएं हैं। देह ही समझने लगे, देह ही देखने लगे, देह से ही व्यवहार हो गया, दैहिक दृष्टि हो गई, दैहिक वृत्ति हो गई, देह की ओर आकर्षण हो गए, सारा खेल बिगड़ गया। अब बाबा हमें बार बार कह रहे हैं, देही अभिमानी बनो, यानी सोल कॉन्शियस बनो, आत्माभिमानी बनो। ये अभिमानी शब्द का अर्थ वो नहीं अभिमान वाला, कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस। तो तुम पवित्र बन जाओगे, तुम्हारे में सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये सब ज्ञान देकर मैंने तुम्हें जगा दिया है। हे सजनियों, अब जागो, मैं आ गया हूं तुम्हें घर ले जाने के लिए। तुम मुझे दुख हरता सुख करता कहते हो ना, मैं आ गया हूं तुम्हारा दुख हरने, तो दुख हर कर कहां ले जाऊंगा। जरूर तुम्हारा जो घर है शांति धाम, मैं वहीं तुम्हें ले जाता हूं। अब तुमने शांति धाम चलने का रास्ता देख लिया है। संसार में ये राह किसी को मालूम नहीं है, तुम्हें राह मिल गई है। देखो, जब हम योग करते हैं तो आत्मा होकर परम धाम में जाते हैं ना, तो हम रोज आते जाते हैं कई कई बार, तो हमें रास्ते का पता है। जो रोज आने और जाने का अभ्यास करेंगे तो शरीर छोड़ते सीधे वहीं जाएंगे ना, जहां जाने की प्रैक्टिस है। बहुत ध्यान दिला रहे बाबा, कर्म तो तुम्हें करना ही है। कर्म के बिना तो तुम्हारा पेट भी नहीं पाला जाएगा। कर्म तो सबको ही करना है, लेकिन कर्म योगयुक्त होकर करो। सोल कॉन्शियस हो जाओ, मैं आत्मा इस देह में हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ। कर्म पूरा हो जाए फिर मैं निराकार आत्मा हूँ। देह में आई, कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, देह से न्यारे हो गए। बाबा कह रहे, कर्म करो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि योग ऊपर मेरे साथ जोड़ो, तो तुम्हारे भी कर्म भी विनाश होंगे। कर्म में तुम फंसेंगे भी नहीं, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे। भोजन बनाओ, मेरी याद में बनाओ, सोल कॉन्शियस होकर बनाओ, तो तुम्हारा भोजन बहुत अच्छा बनेगा। तो आज बाबा ये बात हमें बार बार कह रहे हैं, इस पर अटेंशन दो कि तुम्हें कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए पूरे देह की कॉन्शियस में ना आ जाओ, थोड़ा सा इससे डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा राजयोग है। इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। विशेष रूप से कर्म हमें भारी नहीं करेगा, कर्म हमें टेंशन में नहीं लाएगा, और हम संबंध संपर्क में रहते ही हैं कर्म में दूसरों के, सब संतुष्ट होंगे, सब राजी होंगे, हमारे योग के वाइब्रेशंस सबको बहुत राहत देंगे। तो हमें आज विचार करना है,
बाबा रोज की तरह आज भी स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम कितने महान थे, तुम पवित्र देवी देवता थे, विनाश तो होगा लेकिन ऐसे नहीं भारत पूरा खाली हो जाएगा। खाली हो जाए तो फिर दुनिया कहाँ से चले, ये मेरा बर्थ प्लेस है, अपने बर्थ प्लेस से सबको ही प्यार रहता है, तो मुझे भी यहाँ से बहुत प्यार है, इसलिए संपूर्ण रूप से दुनिया खाली नहीं हो जाती है और सब धर्म वाले देह छोड़कर वापस चले जाएंगे और तुम सुखधाम में आ जाओगे। तो ये खेल, ये चक्र बाबा सुना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं मैं जानी जाननहार हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम्हें ज्ञान देता हूँ, लेकिन जानी जाननहार ऐसे नहीं कि कौन क्या कर रहा है, किसका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, कौन क्या गलती कर रहा है, ये मैं बैठकर क्या करूँगा देखकर, ये तो तुम्हें देखना है। हर एक अपने पुरुषार्थ का, अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है, मैं तो तुम्हें गाइड करता हूँ, ये श्रेष्ठ कर्म करो, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो तो तुम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाओगे। तो हम चिंतन करेंगे आज, क्या हम बहुत सुखी हो गए ये जानकर कि हमारे दुखों के दिन पूरे हो रहे हैं, खेल पूरा हो रहा है। कितना भी दुख हुआ हो, भगवान सामने आ गया, सुखधाम सामने खड़ा है, स्वर्ग सामने खड़ा है हमारे लिए, तो अब अपने को दुखों से सुखों में ले आए, इस गहन चिंतन में करें रहें। और जो भी पास्ट हो गया उसको फुल स्टॉप लगाना जरूर है, बीती बातों को भूलना, किससे कुछ हुआ, किसने पाप कर्म किए, कोई गंदे रास्ते पे चले गए हैं, किसने दूसरों को बहुत सताया है, उसे अब भुला देना है। और कर्मयोग के लिए अपनी एक सुंदर प्लानिंग करें सभी, कि हाथों से हम कर्म करें और बुद्धि से वावास के स्वरूप पर स्थिर रहे। कभी हम देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होकर कर्म करें तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। वरदान है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले महान आत्मा बनो। देखिए ये ऐसा एक स्वमान है, एक शिव बाबा, एक बल, एक भरोसे हम जिएंगे। तो बहुत सारी बातें जो जीवन में आती हैं उनको शिव बाबा को समर्पित करके उसके बल पर जीने वाले, उसके भरोसे पर जीने वाले, उस पर संपूर्ण विश्वास रखने वाले, उन सबको सहज पार करके बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे और स्थिति बहुत महान बन जाएगी। स्लोगन है, ज्ञान की शक्ति धारण कर लो तो माया वार करने की बजाय हार खा जाएगी। आज का अभ्यास हम करेंगे सोल कॉन्शियस होने की बार बार प्रैक्टिस में, आत्मा चमकती हुई ज्योति, स्वराज्य अधिकारी हूँ, आंखों से देख रही हूँ, और कर्म करते बीच बीच में अभ्यास करेंगे, बुद्धि से बाबा पर स्थिर हो जाए, कभी अनुभव करेंगे उसकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, कई बार ये सुंदर अनुभव करेंगे, बार बार करेंगे तो योग युक्त स्थिति बन जाएगी। ओम शांति।